हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रणय यादव आप सभी का संत तुकाराम नेशनल मॉडल स्कूल में स्वागत करती हूँ। आज का हमारा विषय है हिंदी। हिंदी में हम व्याकरण विभाग, लिंग, लिंग के बारे में हम परिभाषा, भेद और उदाहरण यह देखेंगे। आओ तो फिर इसकी तरफ चलते हैं। लिंग की परिभाषा क्या है? जो शब्द स्त्री या पुरुष का बोध करता है उसे लिंग कहते हैं। हिंदी में लिंग के दो भेद होते हैं, लिंग पुलिंग स्त्रीलिंग। पुलिंग और स्त्रीलिंग यह लिंग के दो भेद है। जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुलिंग कहते हैं। जिस संज्ञा शब्द से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। आओ तो फिर कुछ नए उदाहरण देखते हैं चित्र के स्वरूप से। नाना नानी, मौसा मौसी, पिता माता, चाचा चाची, राजा रानी, मुर्गा मुर्गी, बैल गाय, मोर मोरनी, शेर शेरनी, हिरण हिरणी। और कुछ शब्दों को लिंग परिवर्तन करते हैं। अध्यापक अध्यापिका, बूढ़ा बुढ़िया, हाथी हथनी, राजा रानी, प्रधानाचार्य प्रधानाचार्या, नर्तक नर्तकी, डिब्बा डिब्बिया, शिष्य शिष्या। और कुछ नए शब्द देखेंगे। घोड़ा घोड़ी, शेर शेरनी, नाग नागिन, चूहा चूहिया, बकरा बकरी, दादा दादी, चाचा चाची, लड़का लड़की, मोटा मोटी, छात्र छात्रा। कुछ नए शब्द देखते हैं। लड़का लड़की, नर नारी, गुंगा गुंगी, दादा दादी, गधा गधी, घोड़ा घोड़ी, बकरा बकरी, मुर्गा मुर्गी, पहाड़ पहाड़ी, साला साली, मामा मामी, बेटा बेटी, भतीजा भतीजी, मोटा मोटी, पुत्र पुत्री, देव देवी, मेंढक मेंढकी, गो गोपी, काला काली, ब्राह्मण ब्राह्मणी, नाला नाली, टोप टोपी, पुत्र पुत्री, नाना नानी, चाचा चाची, छोटा छोटी, पिता माता, जेठ जेठानी, ग्वाला ग्वाली, दास दासी, गुणवान गुणवती, उपासक उपासिका, नायक नायिका, लेखक लेखिका, विधुर विधवा, राजा रानी, सेठ सेठानी, माली मालिन, कुम्हार कुम्हारिन, भगवान भगवती, उपदेशक उपदेशिका, गायक गायिका, पाठक पाठिका, विधाता विधात्री। तो बच्चों, इस वीडियो में हमने लिंग की परिभाषा, उसके भेद और उदाहरण देखे हैं। धन्यवाद।